इतने बड़े समुंदर में कैसे ढूंढेंगे पिया को? एक तरीका है हर्ष, गुड़िया के आंसू, उसके आंसू ही तुम्हें उस तक पहुंचा सकता है। क्या के आंसू? यानी ये मोती? पंच, इसी वक्त इन मोतियों को सागर में फेंको। काम तो हो गया, अब दूसरी जलपरी को पकड़ना है। कमरे में तू कपड़े फैला के रखता है। हाँ ले लो चाय पियो। आज बड़ी चिंता हो रही है माँ की। तूने पिया? पीता। एक और मिल गई।
बच के निकल गए। आखिर कब तक बचेगी? पीछा करो उसका, जहाज घुमाओ इस तरफ। मैंने मयंक के लिए अदरक वाली चाय, वो उसके बाद वो काली मिर्च, वो उड़कर वो घूंघट वाली औरत जो जंगल में मुझे दिखाई दी थी, वो मैं उसके पीछे आई, वो जम गई माँ। मैंने उसका चेहरा देखने की भी कोशिश की, पर वो गायब। तारा बेटा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अदरक वाली चाय, घूंघट वाली औरत जिसने पेड़ खींचा था, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है तुमने? पेड़ को झुकाने वाली बात तो मैंने माँ को बताई ही नहीं, फिर इन्हें कैसे पता चला? क्या हुआ बेटा? माँ, उस औरत के इंसानों वाले पैर नहीं थे, उस औरत के घोड़े के पैर थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। कहीं ऐसे तो नहीं? भाभी, बोलो ना अपनी डायन बहन को। मुन्ना, मोना, ये क्या कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो चैताली को? तुम यहाँ सबके साथ रहने आई थी ना, ऐसे रहोगी सबको परेशान करके? सुधर क्यों नहीं जाती तुम? कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ लोग मुझे बार बार पहले वाली मोहना बनने पे मजबूर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मैं तो बस हंस रही थी। अब हंसो, हंसो ना। भाभी, भाभी बचाओ ना, प्लीज प्लीज। मोना बस करो, उतारो नीचे चैताली को। आदि, मेरा पाला सा पिल्लू मेरी मदद नहीं करेगा बेटा, प्लीज कोई बचाओ प्लीज। पागल है, ठीक हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।